Hello

नाराज हो क्या नहीं माही बिल्कुल भी नहीं हाउ आई कैन बी नॉट इट ऑल नहीं नहीं तो भाई यहाँ पे आपको ये जो सिल्वर फिश नजर आ रही है आंसर में ये चांदी की मछली ये आपकी सही आंसर हो जाएगी ठीक है तो सी विल बी करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है आपका कि भाई क्लोन आर क्लोन क्या होते हैं पहला लिखा है कि भाई प्लांट ट्रेड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट कि एक ही माता पिता से उगाए गए पौधे या फिर पॉपुलेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड वेजिटेटिवली कि वनस्पतिक रूप से उत्पादित पौधों की जनसंख्या जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट अनुवांशिक रूप से मूल पौधे में समान ऑल ऑफ द अब उपरोक्त सभी तो जल्दी से मुझे बताओ क्लोन्स क्या होते हैं क्या होते हैं क्लोन्स बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा और बिल्कुल सीधा सा आंसर है इसका जल्दी आंसर करो हम्म तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनमें से डी क्या हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कि आपके तीनों के तीनों ही आंसर यहाँ पे सही हो जाते हैं तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर ओके आगे प्रश्न है कि इन विच फाइलम ऑफ एनिमल डज द रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड टिनीडिया कि आपका जंतु कौन सा ऐसा संघ है जो कि गलफड़ों के द्वारा स्वश्न होता है जिसे हम कहते हैं पहला आपका ऑप्शन है कि भाई अर्थ्रोपोडा एक्नोडर्मेटा फोर्थ है आपका कोर जल्दी से आंसर बता देंगे सो सो गुड गुड के याद आप बताए हव यू बताओ जल्दी से डी नहीं ठीक के यादव यहाँ पे आपका आंसर डी बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे आंसर होगा मोलस्क क्या होगा मोलस्क में होता है किस में होता है कि डॉल्फिन क्या है पहला है एक मछली फिर कह रहे मैमल्स टर्टल एक आपका कछुआ बताओ जल्दी से यू शुड बी फाइन यू शुड बी गुड बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा डॉल्फिन बी नहीं बेटा आपका रेप्टाइल में बिल्कुल भी नहीं आता आपका मैमल्स में आ जाएगा डॉल्फिन सन में आ जाएगा किस में आ जाएगा सन में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा गलती से भी डॉल्फिन को आप फिश में नहीं रखेंगे ठीक है आगे है कि एनिमल विद हैव वेल मार्क डाइजेस्टिव कैविटी आर पुट अंडर कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर पाचन गुहा यानी कि स्पेस रहता है और अलग से दिखाई पड़ता है तो वो कौन से है यहाँ पे उनको किस में रखा जाता है पहला है जोवा, 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 जोवा। बताओ जल्दी से। नहीं। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एंटे जोआ जिसके अंदर क्या हो कैविटी हो क्या हो कैविटी हो? 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 हो देखो हमारे पास आज पचास मिनट है क्योंकि दस मिनट हमारा टेक्निम की वजह से चल नहीं रहा था तो इन पचास मिनट में मैं चाहती हूँ कि हम पचास ही प्रश्न करें ठीक है तो हम जल्दी जल्दी से करेंगे इसको शुरू आगे है कि कि ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र प्राणी होता है पहला आपका ऑप्शन है लिवर फ्लूक का फिर है आपका वाउचेरिया तीसरा है प्लाज्मोडियम और चौथा है प्लेनेरिया तो जल्दी से मुझे बता दे देख के कि यहाँ पे कौन सा आपका स्वतंत्र जीवित प्राणी है स्वतंत्र समझते हो यानी कि जो अपने ऊपर ही निर्भर रहता है ठीक है उसको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है बताओ प्री एनिमल जो किसी और के ऊपर पैरासाइट के ऊपर नहीं रहता अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी और जी के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है पैरासिटिक नहीं है वो बताओ जल्दी से तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका लीवर फ्लूक क्या हो जाएगा लीवर फ्लूक हो जाएगा ठीक है आपका देखने में लग रहा होगा कि लीवर है तो हमारा ये आपका फ्री लिविंग नहीं हो सकता परंतु लीवर फ्लू के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बहुत सही माही बहुत सही आगे प्रश्न है कि फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल ब्लड वेसल ऑफ अर्थ वोम कि केचुए की पृष्ठीय रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह कैसे होता है फॉरवर्ड सीधा स्लाइड साइडवर्ड साइड में डाउनवर्ड नीचे की तरफ डी बैकवर्ड पीछे की तरफ बताओ जल्दी से ये वो प्रश्न है जहां से आपको आपके रीट में एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये मत सोचना कि भाई नहीं हम नहीं देखेंगे ये नहीं मिलेगा ये मिलेंगे वहां पे बताओ जल्दी से तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए जो कि बहुत सही कहा है माही ने वेरी गुड माही फॉरवर्ड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड आगे आपका प्रश्न है कि में में से एक अपनी को सभी दिशाओं घुमा सकता है पहला ऑप्शन है उल्लू का दूसरा है आपके गिरगेट का चौथा है मानव का तो आप सबको पता है यहाँ पे आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है कि आपका उल्लू जो है थ्री सिक्सटी एंगल पे अपनी गर्दन भी घुमा सकता है आंखें तो चीज क्या है तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उल्लू आउल है क्या हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर हेयर अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भाई अमीबा एक्वायर फ्रूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमीबा जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया से या किस प्रकार से प्राप्त करता है पहला है एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस इन एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बताओ जल्दी से बहुत इजी प्रश्न है बहुत इजी प्रश्न है हम्म जल्दी बताओ प्यारे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी फैगोसाइटोसिस क्या हो जाएगा फैगो बी विल बी योर करेक्ट आंसर है नहीं माही नहीं सुनीता ए नहीं होगा फैगोसाइटोसिस हो जाएगा अगला प्रश्न है पॉइजन ऑफ हनी बी इज कि मधुमक्खियों का विष होता है अब आपको ये तो अच्छे से पता ही है कि तब तो मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है तो आपको सूजन हो जाती है वो क्यों हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी है जो जो को हैं विश कह देते हैं। पहला है कि वो अमलीय होती है, 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 है। जैसा तो कि मैंने आप सभी को बताया भी हुआ है कि आपका जो एंट हो या हनी भी हो ये आपकी क्या छोड़ती है फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और एसिड आपका एसिडिक होगा सिंपल सी बात है अमलीय होगा तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा अमलीय हो जाएगा अगला प्रश्न है आपका कि बर्ड्स विच स्विम इन वाटर है पानी में तैरने वाले पक्षियों के पास क्या होते हैं पहला कह रहे हैं कि वेब्ड फिट कि वेब्ड यानी कैसे आपस में मान लो ये आपका पंजा है है ना ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं ये ऐसे ये होते हैं वेब्ड फिट ठीक है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं आगे है ब्रॉड विंग्स की व्यापक पंख या फिर लॉन्ग बीक लंबी चोंच या फिर टॉयज विद क्लॉ की पंजे के साथ पैर की उंगली जल्दी से बताओ क्या होता है जो आपके पानी में तैरते हैं उनके साथ हम्म बी नहीं होगा माही वेरी गुड सुनीता ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे वेब्ड फिट ठीक है ए आंसर विल बी करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार के पंजे होते हैं उनके ऐसे आगे है आपका कि कोड इज अ वैरायटी ऑफ कोड किसकी एक किस्म है आपकी मछली बकरी की मछली की फसल की कोरल की बताओ जल्दी से बहुत इजी है इसके अंदर कुछ भी नहीं है गाइस इसका आंसर फिश, फिश, मछली। ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है कि बीक इज फ़ॉर्म्ड बाय चौच का निर्माण होता है कैसे चीक से जो की जगह या फिर टिथ की जगह बताओ जल्दी से टिथ इज फोर्म बाय किससे बनती है आप जो पक्षियों में देखते हो टिथ सॉरी बीक वो किसकी मॉडिफिकेशन एक प्रकार की वो होती है आपकी जो की जबड़े की किसकी जबड़े की तो आओ जो चोच का निर्माण होता है वो जबड़े से होता है तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा आगे प्रश्न है आपका कि पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो आपका एम्फीबिया में प्रेजेंट होता है फिश में प्रेजेंट होता है मैमल में होता है या रेप्टाइल सर्प में होता है पिन्ना क्या होता है पिन्ना होता है ये पिन्ना क्या होता है ये पिन्ना होता है कैन यू सी दिस पार्ट ऑफ माई ईयर इसको बाहर से जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं पिन्ना जो कि कार्टिलेजीनियस टीशू से मिलके बना होता है नोज कार्टिलेजीनियस टीशू से मिलके बनी होती है परंतु आपके कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि आपने मेंढक देखा होगा उसके ऊपर कान नहीं होते बस एक खाली छेद होता है छोटा सा जिसको हम कहते हैं टिम्पैनियम कह देते हैं है ना ऐसे ही आपकी मछलियां होती हैं अब बताओ मछलियों के अंदर कान होते हैं बताओ जल्दी से होते हैं नहीं होते हैं मछलियों के अंदर भी कान ना तो एम्फीबियंस में होते ना मछलियों में होते मैमल्स में होते हैं बिल्कुल होते हैं मैमल्स कितने ही देख लो सभी मैमल्स में आपको कान मिल जाएंगे है ना तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा रेप्टाइल्स में भी नहीं होते रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्नेक आर कि आपका अधिकांश भारतीय सांप कैसे होते हैं जहरीले गैर जहरीले सुस्त या फिर सुंदर बताओ तब सांप आगे डस ले तो सुंदर का तो हमको करना ही क्या है सिंपल सी चीज है बताओ जल्दी से कैसे होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं मोस्टली वो आपके नॉन पॉइजनस होते हैं ठीक है आप कहोगे मैम ऐसे थोड़ी ना होता है हमने तो बहुत सारे केसेस सुने पर मोस्टली की बात हुई है मेजोरिटी की बात हुई है ठीक है आगे है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बर्ड कि इनमें से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है पहला है पिजन पैरट हमिंग बर्ड हाउस पैरो बहुत इजी सा प्रश्न है कुछ भी नहीं है यहाँ पे कमांडो रवि टाक बी नहीं बेटा पैरेट तो नहीं होगा इसका नहीं लोकेश बी आंसर नहीं होगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी हमिंग बर्ड सबसे तो छोटा है इनमें कौन सा है हमिंग बर्ड सबसे छोटा है इनमें तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्लेटिप के बारे में बताया था अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कंगारू मोन्ट्रियन बैट या फिर वेल बताओ कौन देता है अंडे कौन देता है अंडे और मैमल है वेल vale भी मैमल है और डॉल्फिन भी मैमल है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोनोट्रीम क्या हो जाएगा मोनोट्रीम बी आंसर हो जाएगा कौन सा जाएगा बी हो जाएगा वेरी गुड लोकेश अगला प्रश्न है कि फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यौन प्रजनन का एक प्रकार है उसको आप बताना है पहला है बडिंग फिर है आपका फ्रेगमेंटेशन फिर है आपका हर्माफ्रोडाइटिज्म फिर है आपका फिजन अच्छा ठीक है अब बात करूं। की बात करो की तो ऐसा होता जैसे कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर कली के जैसी आएगी तब तो वो कली मैच्योर हो जाएगी तो वो वहां से हट जाएगी जैसे कि आपकी बात करो एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा की बात कर लेती हूँ ठीक है हाइड्रा में ऐसे कुछ कली आएगी उसके ऊपर यहाँ पे कली आएगी हट जाएगी मेच्योर हो जाएगी तब आपका ये असेक्सुअल होता है इसमें कोई भी सेक्सुअल नहीं होगा ये नहीं होगा फ्रेगमेंटेशन कोई भी आपका जीव है टुकड़ों में टूट जाता है फिर एक टुकड़े से पूरा जीव बन जाता है वो फ्रेगमेंटेशन तो वो भी यहाँ पे नहीं होगी तीसरे पे आता है हर्माफ्रोडिटिज्म जो मैंने कल बताया था जहाँ पे एक प्राणी के अंदर दोनों ही मादा और नर होते हैं जिसका मैंने एग्जांपल दिया था केचुए का अर्थ वोम का और यहाँ पे सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन तो आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा कौन सा सी वाला हो जाएगा उभयलिंगी हो जाएगा फिजिन भी आपका आसेक्सुअल का पार्ट होता है तो यहाँ पे सी आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर ओके गाइस आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि द जो बायोटिकन होती है वो आपका किससे आप पहला है से 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 एक से, एक फंगस से, या फिर वायरस इंफेक्टेड सेल से तो आप सबको पता है, एक होती है क्या होती है एक फंजाई होती है कवक होता है जिसका नाम है पेंसिलियम जिसका नाम क्या है पेंसिलियम उसका नाम है है ना इससे हम ऑप्टेन करते हैं पेंसिलिन को जो कि एक, एक एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया के विरोध में काम करती है तो आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं अगला कह रहा है कि यहाँ पे आपको मैमल्स दे रखे हैं है ना एक दो तीन ठीक है तो आपको बताना ही इन दो तीनों में से कि इसके अंदर कौन सा मैमल है कौन सा मैमल है पहला है सी का सी समुद्री समुद्री घोड़ा समुद्री शेर अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा है? खाली एक पहला और तीसरा दूसरा और तीसरा पहला दूसरा तीसरा बताओ जल्दी से यहाँ पे मैमल्स कौन से हो जाएंगे बहुत इजी सा प्रश्न है कुछ भी नहीं है यहाँ पे हम्म तो बात करो अगर सी हॉर्स की तो सी हॉर्स एक मछली होती है फिश होती है बचे आपके सी लोन और सीकाव दोनों ही मैमल में आते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे दूसरा पहला और तीसरा यानी कि आपका बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे कौन से वाला बी वाला आंसर सही हो जाएगा इक्कीस का आंसर बी होगा ठीक है आगे चलते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अमंग द संबंधित नहीं है चार ऑप्शंस देते हैं और आपको एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताना है जो कि जो बाकी के तीन रिमेनिंग है उससे संबंधित नहीं है पहला है केकड़ा दूसरा है माइट तीसरा है बिच्छू चौथा है स्पाइडर बहुत इजी सा है सामने आंसर है कुछ भी इसके आगे नहीं है बहुत प्यारा सा प्रश्न है देखो जरा कैकड़ा कहां पढ़ते हो केकड़े को हा ए हो जाएगा क्रैब केकड़ा ये यहां पे इनसे संबंधित नहीं है बाकी तीनों से संबंधित नहीं है अगला प्रश्न है आपका तेईसवे नंबर पे कि भैया एक चार पैर वाला जो किसके अंदर है चार पैर वाला कौन सा है इनमें स्कॉर्पियो बिच्छू श्रिंप झिंगा स्पाइडर मकड़ी बग बग अब बताओ चार पैर वाला कौन सा है पहला दूसरा तीसरा सही है पहला और तीसरा सही है तीसरा और दूसरा सही है दूसरा और तीसरा सही है बताओ जल्दी से चार पैर वाला जोड़ा चाहिए हमको यहाँ पे किसके अंदर होते हैं चार पैर वाले जोड़े हम्म hmm, बहुत सही बी पहला और तीसरा ही सही है स्कॉर्पियोर स्पाइडर इसी के चार पैर होते हैं बाकी किसी के नहीं होते तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि लिटमस लिटमस इज फ्रॉम प्राप्त होता है कहां से एक बैक्टीरिया से एक फंगस से सेल्गा से एक लाइकन से बताओ जल्दी देखो ये लिटमस वाला तो मैंने आपको बताया हुआ है अगर कोई बच्चा लैब असिस्टेंट का मुझसे पढ़ चुका है तो उसको तो ये पता होगा बहुत आसानी से मैंने उनको सौ दफा बताया हुआ है कि आपका लाइकिन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा लाइकिन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लाइकिन से हम प्राप्त करते हैं लिटमस को ठीक है और लाइकिन जो है आपका एक ऐसा जीव है जो कि अगर खाली जगह है नगन जगह है वहां पे उग जाएगा मिट्टी का अपर्दन करता रहेगा क्यों क्योंकि वो आपका रिलीज करता है कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड करता है कार्बोनिक एसिड करता है और कार्बोनिक एसिड एक आपके पहाड़ को मिट्टी में बदलने के लिए सक्षम होता है तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा अगला प्रश्न आपका है भैया कि हाँ विनेगर मेड अप बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम केन शुगर कंटेन कि गन्ना चीनी से किण्वन द्वारा बनाए गए सिरका में क्या शामिल होता है <coughs> पहला है पालमेटिक एसिड दूसरा है लैक्टिक एसिड तीसरा एसिट, एसिट है सिट्रिक एसिड चौथा है एसिटिक एसिड बहुत इजी है बताओ जरा आंसर क्या हो जाएगा लेजेंड कैने ने कहा है डी जो है कि बहुत सही आंसर आपने दिया है हेलो जितेंद्र कुमार देखो बात ऐसी है एसिटिक एसिड विनेगर की अगर बात है तो एसिटिक एसिड ही होगा तो यहाँ पे आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रश्न के साथ कि अंगोरा इज फ्रॉम अंगोरा ऊन निकाली जाती है खरगोश से भेड़ से लोमड़ी से या फिर बकरी से कहा से आएगी बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये अरे हमको पता है ऊन आपकी हमेशा किससे आएगी बताओ शिप से शिप से आएगी ना शिप से आएगी परंतु ये अंगोरा वुल है और अंगोरा वुल जो है आपकी बेहद सॉफ्ट होती है और वो आपकी निकाली जाती है रैबिट से किससे रैबिट से इतना इजी प्रश्न नहीं देंगे वो आपको लगेगा मैडम तो बड़ा इजी प्रश्न बताया है वुल ऊन कह दिया इसका तो भेड़ हो जाएगा परंतु नहीं नाम दिया है आगे अंगोरा यानी कि आपका आ जाएगा रैबिट बी नहीं होगा बिल्कुल भी यही तो मार खाते हो यही तो मार खाते हो यही तो बात है अंगोरा लिखा है वहां पे नाम देखो अंगोरा है वहां पे ठीक है आगे चलते हैं कि इज इजों स्पंज क्या होता है एक आपकी कवक होती है एक जीवाशम होता है एक आपका प्लांट एक आपका एक एनिमल होता है ठीक है कहा पढ़ते, पढ़ते हैं तो के अंदर आपकी तीन प्रकार की होती है। एक सेल वाली एक टिश्यू वाली एक और आपकी बॉडी वाली जो सेल वाली होती है वो एकमात्र आपकी पोरीफायरा वाली होती है और पोरीफायरा एक फाइलम है आपके एनिमल किंगडम में तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा एक जानवर एनिमल ठीक है क्या हो जाएगा डी बहुत सही बहुत सही बहुत अच्छे आगे प्रश्न है केमिकल जो यूज किया जाता है पानी के अंदर कवक को मारने के लिए जनरली मैं आपको क्लोरीन बताती हूँ क्लोरीन होता है एलगी को मारने के लिए है ना परंतु यहाँ पे बात है फंगी की यानी कवक की तो कौन सा यूज होगा कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट जिंक सल्फेट नाइट्रिक एसिड बताओ जल्दी से कौन सा होगा हम्म hmm. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है कि अमंग द फॉलोइंग लिविंग बीइंग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन एक ऐसे प्राणी के बारे में बताओ जिसके पास श्वसन करने के लिए श्वसन तंत्र है परंतु दिमाग नहीं है मस्तिष्क नहीं है पहला है आपका क्रैब केकड़ा दूसरा है स्टार फिश तीसरा ब्लड सकर चौथा सिल्वर फिश जल्दी से आंसर बता दो और सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे साथ की साथ ठीक है चलो बताओ जल्दी से तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्टार फिश स्टार फिश बी चलो अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज है ब्लैटेरिया किसका साइंटिफिक नाम है बीटल का कॉकरोच का मॉस्किटो का बटरफ्लाई यानी तितली मच्छर कॉकरोच बीटल बताओ ब्लैटेरिया। तो यहां पे आंसर क्या हो जाना चाहिए बी कॉकरोच बी कॉकरोच आगे है कि इस्ट क्या है, खमीर क्या है एक बैक्टीरिया एक फंगस यानी कवक एक शवाल, एलगी एक ब्रायोफाइटा। तो आप सबको पता है ईस्ट जिसको अभी हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज में ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं है ना क्या बनाने में ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं साथ ही साथ में आपकी ड्रिंक्स को फर्मेंट करने के लिए है ना किन्वन के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो जल्द से मुझे बता दो बच्चों कि क्या है आपका इष्ट इष्ट होता है कवक ठीक है कई बार इष्ट की जगह पे आपका आ जाता है सेक्रोमाइसी क्या आ जाता है कई बार लिखा हुआ सैक्रोमाइसी लिखा हुआ आ जाता है इसका भी नाम इष्ट ही है ठीक है आगे प्रश्न है कि भाई मेल मॉस्किटो टेक देर ब्लड फ्रॉम कि नर मच्छर अपना भोजन किससे प्राप्त करता है हाँ पहला कह रहा है कि मानव के खून से या फिर कह रहे स्टैंडिंग वोटर खड़े हुए पानी से या फिर सैप ऑफ प्लांट पौधों के रस से या फिर डंग एंड डेबरिस गोबर और मलबे से बताओ जल्दी से अब ये बड़े सोचने वाली बात है अच्छा एक हमने रोग पढ़ा हुआ है खूब सारा मलेरिया जिसमें हम कहते हैं कि मलेरिया जो है आपका कोज होता है फीमेल एनाफिलस के द्वारा फीमेल एनाफिलस के द्वारा तो सोचने वाली बात है आपको कमाल की बात बताते हो कि जितने भी मच्छर आपको काटते हैं वो सारे के सारे मच्छर आपके फीमेल मच्छर होते हैं क्यों होते हैं भैया क्योंकि फीमेल जब होती है प्रेग्नेंट तो उस समय पे उसको आवश्यकता पड़ती है आयरन की किसकी आयरन की लोहे की और वो कहाँ से मिलेगा हमारे ब्लड से मिलेगा ठीक है तो इसीलिए ब्लड को सक्कर लेती है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या मेल की बात की है तो मेल यहाँ से करता है पौधों के रस के ऊपर डिपेंडेंट करता है ये जो मच्छरियां होती हैं वो चुड़ैल होती हैं खाना अपना खून चूस लेती हैं यहाँ पे आदमी शांत रहते हैं ठीक है यहाँ पे मच्छर दुर्गा बनी हुई है ठीक है तो यहां पे आंसर सी हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं हेलो शक्य मुनि गौतम बुद्ध ओके हेलो आगे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग अब देखो ये प्रश्न आगे ना मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा स्तनधारी जो अंडे देता है बैट वेल विजल प्लेटिपस बहुत इजी सा प्रश्न है कुछ भी इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई आपका प्लेटिपस क्या आंसर हो जाएगा प्लेटिपस आंसर हो जाएगा ठीक है आगे प्रश्न है कि भाई जेन एजेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नॉन एज एथ बी टी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज कि जो आपका बीटी बैंगन रूप से जो है uh, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके बना रखा है बीटी बैंगन उसका उद्देश्य क्या है सिंपल सी बात पूछी है पहला कह रहे हैं कि उसको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है पेस्ट कीट रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधी कीटों के विरुद्ध उसको काम कराना है या फिर हमको उसका स्वाद और जो उसका पोषण वैल्यू है वो बढ़ाना है या फिर हमको क्या करना है कि उसको ऐसा बनाना है कि वो सूखे के विरुद्ध भी खड़ा रहे आपका ड्रोट रेजिस्टेंस रहे या फिर शेल्फ लाइफ उसकी लंबी हो जाए जीवन काल उसका लंबा हो जाए तो यहाँ पे बताओ जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा थर्टी का तो आपको मैं बता दू आंसर हो जाएगा पेस्ट रेजिस्टेंस ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे बहुत सही बहुत सही ए आगे प्रश्न है कि अल्फा अल्फाइज अल्फा किसका नाम है एक मिनरल का एक ट्राइब का एक घास का एक टाउन का खनिज जनजाति घास टाउन बताओ जल्दी से अल्फा अल्फा किसका नाम है सबसे बड़ी घास कौन सी होती है सबसे बड़ी घास कौन सी है ग्रास जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं बैंबू क्या कहते हैं बैंबू ठीक है और अल्फा अल्फा भी एक ग्रास है ठीक है ये तो मैंने आया था वही मैं बताया था नॉलेज के लिए ठीक है चलो आगे प्रश्न है कि विच हैज मैक्सिमम लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा लंबा जीवन काल जिसका है पहला है ईगल यानी कि आपका बाज दूसरा है टॉरटॉय यानी कि आपका कछुआ तीसरा है टाइगर चौथा एलिफेंट यानी हाथी बताओ जल्दी से ना। ओके वेरी गुड जल्दी बताओ तो यहां पे आंसर हो जाएगा टॉरटॉयज कछुआ कछुआ ये धीरे चलता जरूर है पर इसका जीवन भी धीरे ही व्यापित होता है आगे है कि बार्क प्लांट जो आपके पौधों के ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर उगती है वो कवक कौन सी होती है कॉर्टिकोल्स जूफिलस सेक्सिकोलस कॉर्पोफिलस अब ये तो आपकी उगती है किसके ऊपर गोबर पे डंग पे ठीक है बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ए कॉर्टिकोलस ए हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है आपका कि कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एज कि उड़ने में सक्षम स्तनपाई होते हैं जैगुआर जैगुआर गाड़ी देखिए उसके आगे जो रहता है वो जैगुआर होता है फिर ऑस्ट्रिच पहली और आपका बैट जिसको हम कहते हैं चमगादड़ बताओ जल्दी से जो उड़ने में सक्षम हो जो उड़ता हो और मैमल हो वो है हमारा बैट तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा अगला है कि एवरेज स्पीड ऑफ बी मधुमक्खू मधुमक्खी की औसत गति क्या होती है औसत गति यानी उड़ने की 10 किलोमीटर पर आर 5 किलोमीटर पर आर 1 किलोमीटर पर आर 16 किलोमीटर पर आर तेरे को भी दिलवा दो प्रसाद में हैं सचिन तेरे को भी भेज दू की दुनिया में शुद्धिकरण करवा दिया जाए तेरा है? पढ़ लेना बेटा तो तुम आ रहे हो ना होके चुके हम वहां से चलो थर्टी नाइन का होता है आंसर डी सोलह किलोमीटर पर आर। तो आपका डी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि मेडिसिन ऑफ एपिलेप्सी यानी कि आपके मिर्गी आ जाती है ना उसकी जो दवा होती है वो किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं करते तो है लाइकिन से परंतु कौन से लाइकिन से लिकोनेरा से रोजेला से इंडोकार्बन से पार्मीलिया से बताओ जल्दी से जो मिर्गी की दवाई होती है वो हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं फोर्टी आंसर देखो फोर्टी हो गए हैं यानी कि हमारी पंद्रह पर तो शुरू ही हुआ था सेशन है ना तो हमको लॉजिकली तीस मिनट हुई है तीस मिनट में चालीस प्रश्न हो गए बहुत बड़ी बात है और हम तो चाहती हूँ अस्सी हो जाए जल्दी से चलो आंसर बताओ जल्दी से बताओ तेरे को भेज देती हूँ पता चल जाएगा तेरे को तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा पारमेलिया पारमेलिया बी नहीं होगा बिल्कुल भी आगे प्रश्न है कि भाई ऑक्टोपस है कि ऑक्टोपस के पास है जॉइंट लिम संयुक्त अंग सॉफ्ट स्किन नरम त्वचा हैमिकोर्डेट हैमिकोर्डेट सॉफ्ट इन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन परत या झिल्ली नरम कर जो नरम होते हैं नरम है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा सी और तू दूसरों पे ध्यान मत दे जितेंद्र तू भी पागल हो जाएगा नहीं तो यहां पे हो जाएगा डी पढ़ लो चुपचाप okay, होके आगे द ओनली द नेस्ट इज कि कभी आपको पता है सांप कभी भी घोंसला नहीं बनाता पर एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है वो कौन सा है चैन वाइपर किंग जल्दी बताओ हर किसी का आंसर डी नहीं हो सकता ना डी सो स्केल वाइपर, नहीं नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये आंसर तो क्योंकि आपका कोबरा बनाता है किंग कोबरा ठीक है आगे आपका प्रश्न है कि लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच कैन रन मोस्टली एक ये रह गया भैया चलो ए फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड कि आपका उड़ानहीन पक्षी जो आपका न्यूजीलैंड में पाया होता है उड़ नहीं सकता जो आगे है कि लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच कैन रन मोस्टली फास्टली कि भाई आपका एक ऐसा उड़ने वाला पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है कीवी ऑस्ट्रिच ए बताओ तो आपको पता होगा जो कि ज़्यादा उड़ नहीं सकता है परंतु भागता बेहद स्पीड से है ठीक है आगे प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि वेयर द बर्ड फाउंड कि पक्षी पेंगुइन कहां पे पाया जाता है

स्तनधारी मैमल ठीक है आगे चलते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है जरा देखें कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल कौन सा स्तन नहीं है फिश बैट वेल नन ऑफ द बाउ बताओ जरा मैमल नहीं है अलग ही दिख रहा है फिश भैया फिश मैमल नहीं होता फिश मैमल नहीं होता आगे आप कि आपको एक पेड़ बताना है जो इनकरेक्ट है तो पेड़ है किस चीज का कि है. टाइगर एक रेप्टाइल है बाघ श्री सर्प है क्रोकोडाइल रेप्टाइल है सही कहा है फ्रोग एम्फीबिया है सही कहा है परंतु टाइगर एक मैमल है ना कि रेप्टाइल तो यहाँ पे आंसर तीसरा गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका

सेम है आप सबको पता है मैं आपको इतनी बार सेल पढ़ा चुकी हूँ इतनी बार बता चुकी हूँ कि जब भी खाना पचाने की डाइजेशन वगैरह की कुछ भी बात हो तो वो वैक्यूल में होती है में होती है तो यहाँ पे आंसर आपका फूड वैक्यूल हो जाएगा एक और बात बताना चाहूंगी कि जो आपके वैक्यूल होते हैं रसधानी होती है कोशिका के अंदर वो उसकी जो लेयर होती है बाहर का आवरण मेमब्रेन होती है उसको हम कह देते हैं टोनो प्लास्ट. क्या कहते हैं टोनो कहते कहती है और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है इस लिक्विड को हम कहते हैं सेल सैप क्या कह देते हैं सेल सैप हम इसको कह देते हैं ठीक है थीके? याद रखना इस चीज को ओके तो टोनोप्लास्ट भी कई बार पूछ ली जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए याद कर लेंगे इसको इसका आंसर सी हो जाएगा आगे प्रश्न है कि विच एज फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिक के जनन किसको कहा जाता है जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कौन पहले आपका आंसर है डार्विन मैंडल लेमार्क डी बताओ किसको कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता। हम्म तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैंडल ठीक है जिन बच्चों को लगता है डार्विन तो डार्विन आपके जाने जाते हैं किस चीज के लिए इवोल्यूशन के लिए विकास के लिए ठीक है यहाँ पे नहीं आएंगे वो यहाँ पे आंसर आपका मेंडल होएगा अगला प्रश्न है कि ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन अनुवांशिकता और विविधताओं से जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा यहाँ पे ब्रांच है पहला माइक्रोबायोलॉजी का दूसरा है इम्यूनोलॉजी का तीसरा है जोनेटिक का चौथा है

डार्विन, हिपोक्रेटस हैकल एडवर्ड जेनर बताओ फिफ्टी टू हुए हैं और हमारा फिफ्टी टू ही प्रश्न आ गया है है ना तो देखो एक मिनट में एक प्रश्न कर रहे हैं हम एक मिनट में एक प्रश्न से ज्यादा क्योंकि पंद्रह पे हमने शुरू किया था और फिफ्टी टू प्रश्न हमारे हो गए हैं इससे ज्यादा तुमको और मैं कितना मटेरियल दू है ना ये फाइव डे बायोलॉजी लिखा है वही नहीं लिखा है ये मैं करा के मानूंगी डी एडवर्ड जैनर एडवर्ड जैनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले जरूर ढूंढी थी परंतु वो आंसर नहीं है आंसर है हिपोक्रेट्स बी ठीक है आंसर बी सही हो जाएगा आगे प्रश्न है कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड विच ग्रुप ऑफ एनिमल आर प्लेस्ड इन सेम फाइलम कि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है तो उस उस फाइलम को हमने किसके अंदर रखा है एक ही फाइलम के अंदर रखा है वो बताना है आपको पहला है कि आपका मैमालिया कोर्डेटा प्राइमेट इंसेक्टा बताओ जल्दी से किसको हम करते हैं इस पे कि भी है तो ये वाला हो जाएगा अरे बताओ नॉन बिल्कुल सही पीसीएस बी कोडेटा सबसे पहले इसके ऊपर आधारित हमारी होती है कि आपके कोर्डेट जिसमें नोटो कोड प्रेजेंट है ठीक है और नॉन कोर्डेट जिसके अंदर नोटो कोड प्रेजेंट ही नहीं है <clears throat> आगे प्रश्न है है। तो, uh, ये कौन था? ये आपका श्री सर्प उनके बीच का लिंक था ठीक है बताओ इसके पास क्या था एक आपकी लंबी सी हड्डी की पूछ बोनी टेल ठीक है आपकी फिंगर विद क्लाउ पंजे के साथ उंगलिया

बहुत सही बहुत सही वेरी गुड हो जाएगा आंसर पे सही हो जाएगा, जाएगा. अगला प्रश्न है कि ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर एंड ग्रो इन इट दीज एनिमल आर कॉल्ड अच्छा जो आपके निम्न जो बिल्कुल कम तापमान में रह सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं पहला है ऑस्मोटिक यूरिथर्मलोथर्मल हाइड्रोथर्मल अच्छा ठीक है अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं एक तो वो जो निम्न प्रकार के तापमान में रह सकते हैं निम्न तापमान में रह सकते हैं उसको तो हम कह देते हैं स्टेनोथर्मल कह देते हैं कह देते हैं परंतु जो नहीं रह पाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो आपके हो जाएंगे यूरिथर्मल क्या हो जाएंगे यूरीथर्मल ठीक है रह सकते हैं तो आपका आंसर होएगा क्या आपका स्टेनोथर्मल अगर नहीं रह सकते हैं तो आंसर हो जाएगा यूरिथर्मल सिंपल एज दैट सिंपल एज दैट ठीक है यहां पे आंसर डी हो जाएगा सी हो जाएगा आगे है साइकिन स्पॉन्जिला बात स्पंज ये किस फाइलम के एग्जाम्पल है पहला है सिलेंट्रेटा ट्रेटा फ्लैटी हेलमिंथ स्टीनोफोरा बहुत इजी है बहुत ईजी है बहुत सही पीसीएसएम से वेरी गुड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोरीफेरा आंसर क्या हो जाएगा पोरीफेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी विल बी योर करेक्ट आंसर हाँ अगला है कि नैरिस पैरेंटीमा जिसको हम कहते हैं अर्थवोम हिरोडिनेरिया जिसको हम कहते हैं लीच ये किस फाइलम की एग्जाम्पल है पहला है सिलेंट्रेटा दूसरा है आर एसके हेलमिंथस तीसरा है एनेलिडा चौथा है आर्थ्रोपोडा बताओ हम्म 56 का जी नाइस वेरी गुड हाँ। बताओ जल्दी से तो आपको पता होगा अर्थवॉर्म को हम किसमें लेके जाते हैं एनालिडा में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एनालिडा क्योंकि इसके अंदर एनुलर रिंग्स होती हैं एनुलर रिंग्स गोल-गोल छल्ले होते हैं ठीक है सी आंसर हो जाएगा आगे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट इज नॉट बाईसेक्सुअल तो ऐसा आ कशेरुकी जो कि आपका उभयलिंगी नहीं है पहला है टेपवॉर्म दूसरा है हाइड्रा तीसरा अर्थवॉर्म चौथा कॉकरोच बताओ जिसमें मेल और फीमेल एक साथ में नहीं होते हैं मेल और फीमेल एक साथ में नहीं होते हैं यूनिसेक्सुअल है जो और वो होता है आपका कॉकरोच क्या है कॉकरोच ठीक है आगे प्रश्न है कि स्टारफिश फिश जिसको हम कहते हैं सी अर्चिन सी लिली ये कौन से फाइलम के एग्जाम्पल है एक्नोडर्मा एनालिडा प्लेटीहेलमिंथस और आपका आर्थ्रोपोड्स स्टारफिश स्टारफिश किसकी होती है एक्नोडर्मेटा की डर्मेटा तो आंसर हो जाएगा ए आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा डी नहीं होगा बिल्कुल भी बिल्कुल भी आंसर आपका डी नहीं होगा अगला प्रश्न क्या है जरा देखो अगला प्रश्न है कैल्प इज कि कैल्प है एक क्या कैल्प है सल्फाइड मिनरल ऑफ आयरन यानी कि लोहे के सल्फाइड खनिज या फिर पार्शियली डीकम्पोज वेजिटेशन आनुवांशिक रूप से विघटित वनस्पति या फिर आपकी कैल्प जो है एक ब्राउन एलगी का प्रकार है ठीक है जिससे हम आयोडीन ले लेते ले हैं ठीक है काफी मात्रा में होते हैं फिर एल्यूमिनियम है सिलिकेट तो कैल्प की अगर मैं बात करूं तो गुड इवनिंग जितेंद्र गुड इवनिंग कैल्प की के अगर मैं बात करूँ तो कैल्प के लिए आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि आपकी तीन फैमिली होती है याद रखना क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपकी जो एलगी होती है बेटा एलगी होगी जो हम्म

फिफ्टी नाइन हुए हैं सिक्सटी हो गए प्रश्न हमारे देख लो पंद्रह मिनट अभी भी बाकी है हमारे सेशन की बताओ जल्दी से पीओफाइसी अभी अभी बताया था ना पीओफाइसी होता है ब्राउन एल्गी के लिए तो आंसर यहाँ पे भूरी सवाल हो जाएगा ग्रीन वाली को हम कहते हैं क्लोरो ग्रीन वाली को हम क्या कहते हैं क्लोरोफाइसी हम कहते हैं क्लोरो ठीक है रेड वाली को हम कहते हैं रोडो फाइसी येलो एलगी नहीं होती है तो आंसर यहां पे बी हो जाएगा अगला प्रश्न है यहां पे ओहो अगला प्रश्न है यहाँ पे सिंपल सा बिल्कुल ही कि कि ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास कि आपके शवाल का वर्ग नहीं है पहला है क्लोरो दूसरा रोडो तीसरा फियो चौथा जिम्नोस्पम अभी अभी बताए थे बिल्कुल अभी अभी, अभी बताई थी कि आपका रो, क्लोरो, रोडो फियो होता है जिम्नोस्पम नहीं होता है तो आंसर यहाँ पे जिम्नोस्पम डी हो जाएगा आगे प्रश्न है आपका सिंपल सा एलग ऑफ एज अभी अभी बताई थी कि algae of chlorophyce क्या कहलाएगी? कौन से रंग वाली होती है है सही चौथा आपका है, नो बट रेस्पायर। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं है परंतु तो स्वश्न करता है पहला है हाइड्रा दूसरा कॉक्रोच तीसरा अर्थवम चौथा फैश बताओ ए तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा हाइड्रा ए बहुत सही पूछा अगला प्रश्न है पहली सिल्वर फिश क्रे फिश जेली फिश कैट फिश तो यहाँ पे आपकी जो ट्रू फिश होती है वो होती है कैट फिश कौन सी कैट फिश डी डी अगला प्रश्न है हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क शार्क फिश मछली में कितनी हड्डियां होती हैं सो जीरो दो सो तीन सो तो आंसर हो जाएगा आपका बी कोई हड्डी नहीं होती है सोचने वाली बात है ना मतलब सोचने वाली बात है ना भाई ये चलो आगे प्रश्न है ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द लार्जेस्ट ऑफ टू थर्ड वेल इज कि, कि टू थर्ड वेल में सबसे बड़ी कौन सी है फिन बैक वेल ब्लू वेल स्पेल हमने बताओ जल्दी से सिक्सटी सेवन का बी नहीं सिक्सटी सेवन का हो जाएगा सी स्पम वेल कौन सा वेल स्पम वेल ठीक है कोई बात नहीं टू जी पे देख लो आगे है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज स्पीशीज ऑफ सील जो है किसकी प्रजाति है पहला है मछलियों की दूसरा बर्ड्स यानी पक्षियों की रेप्टाइल सर्प की मैमल स्टनपाई की सील पानी में होती है ना सील ठंडी जगह पे होती हैं बताओ जल्दी से किसका ऑप्शन है वो तो वो होती है मैमल्स क्या होती हैं आपकी मैमल होती हैं सनपाई होती हैं तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है कि नील गाय बिलोंग टू विच फैमिली नील गाय जो है किसके परिवार से संबंधित है काउ गोट शेप डियर गाय बकरी भेड़ और हिरण बताओ जल्दी से तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी हिरन हिरन से बिलोंग करती है नील गाय आपको लगा होगा गाय बोल देते हैं परंतु तो एक्चुअल में गाय नील गाय होती है आगे प्रश्न है ऑक्टोपस इज ऑक्टोपस क्या है एक आर्थ्रोपोडा एक्नोडरमेटा एक्नोडरमेट हेमिडरमेट और मोलस्क और हम सबको पता है ऑक्टोपस इज अ मोलस्क तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी आगे प्रश्न है कि भी लार्जेस्ट इन वर्टी इज कि सबसे बड़ा आ है कौन सा ऑक्टोपस स्क्ल जेलीफिश बताओ लार्जेस्ट क्या हो गया जितेंद्र इसका बताओ जल्दी से यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ठीक है आपका कि स्क्ट आर नाम से जानते हैं चींटी 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 लाल चीटी, सफेद चीटी, काली चींटी दीमक को दीमक को हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं सफेद चींटी क्या कहते हैं सफेद चींटी क्योंकि सफेद सफेद होती है वो आपकी दीमक तो so, सी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आगे प्रश्न है ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट में कौन सा है कीट नहीं है पहला है बैड बग बिस्तर बग तीस, दूसरा है, स्पाइडर, तीसरा है हाउस फ्लाई चौथा है मॉस्किटो बताओ जो कीट नहीं है कीट नहीं है <coughs> स्पाइडर आपका कीट में नहीं आता है इंसेक्ट में नहीं आता है ठीक है आगे है कि जो आपके पॉइजनस फैंग होते हैं जो डंक होते हैं सांप के वो आपके किस चीज की मॉडिफिकेशन होते हैं किस चीज का रूपांतरण होते हैं जबड़े का या फिर दांत का, या फिर दांत का या फिर दांत का, बताओ जल्दी से कौन से दांत की मॉडिफिकेशन होती है तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी मैग्लरी ट्रिथ ठीक है चलो आगे प्रश्न है आपका देखो आपको दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं हिंदी में यहां है हिंदी वालों इंग्लिश की यहां है और आपको बतानी है कौन सी वाली जो है स्टेटमेंट कैसी है ठीक है करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है इधर से ऑप्शन से देख के बतानी है पहली आपकी स्टेटमेंट कहती है कि जो कुछ स्पीशीज होती है टर्टल की वो हरबी वोरस होते कि कुछ कछुए शाकाहारी होते हैं दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि कुछ मछलियां शाकाहारी होती हैं तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो पानी के अंदर मैमल रहते हैं 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 स्तनपाई होते है, वो आपके शाकाहारी होते वो शाकाहारी आखिरी स्टेटमेंट कुछ जो सांप होते हैं ना वो वीवी होते है। वीवी वो होते होते हैं हैं जो आपके बच्चों को जन्म देते हैं बताओ कौन सी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहली और तीसरी फिर कह रहा है दूसरी तीसरी चौथी तीसरा कह रहा है दूसरी और चौथी पहला कह रहा है आखिरी कह रहा है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी कितने क्वेश्चन है अस्सी क्वेश्चन करेंगे एक घंटा हुआ नहीं है अभी एक घंटा हुआ है नहीं अभी भाई मेरे को पता है पंद्रह पे शुरू हुआ था सेशन अभी टाइम है पूरे घंटे में में मिनट प्रश्न कर लेंगे बल्कि ठीक है इतनी स्पीड से कोई कराता हो तो मुझे बता देना जो एक घंटे में तुमको अस्सी प्रश्न करा दे दो दो घंटे में अस्सी प्रश्न कराते हैं लोग तुमको तो यहाँ पे आपका बात करूं तो ये सारी की सारी ही स्टेटमेंट सही है है ना सारी की सारी स्टेटमेंट सही है तो आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा सारी ही सही है ठीक है आगे प्रश्न है कि भाई और आपका जो एक रेयर और एक एंडेंजर्ड प्लांट है वो कहां पे पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में मध्य प्रदेश में मेघालय में उत्तर प्रदेश में तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी मेघालय मेघालय अगला प्रश्न है कि मार्सीलिया किस चीज के एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट के ब्रायोफाइट के, के, के। बहुत इजी सा प्रश्न है। ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पे आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट क्या आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट वेरी गुड ओके okay? आगे है कि द कि प्लांट किंगडम के अंदर कौन से कौन से पानी में रहते हैं पहला कह रहा है ब्रायोफाइट दूसरा कह रहा है एलगी तीसरा कह रहा है कि टेरिडोफाइट चौथा कह रहा है जिम्नोस्पर्म जो पानी में ही रहते हैं बताओ जल्दी तो बात करूं अगर एलगी की तो ये आपकी पानी में ही रहेंगे बी हो जाएगा वैसे तो आंसर ब्रायोफाइट भी होना चाहिए परंतु ब्रायोफाइट जमीन के ऊपर भी रहती है और जमीन पे उगने वाले सबसे पहले पौधे ब्रायोफाइट ही थे ठीक है तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न कह रहा है कि विशेष जीव के सभी व्यक्ति जैसे कि गुलाब के पौधे एक वर्ग की श्रेणी में संबंधित जिन्हें कहा जाता है कि ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट्स बिलोंग टू ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड एज स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर बताओ उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्या कहते हो जिसमें आप किसी का भी नाम बताएंगे चलो ए स्पीशीज यहां पे हो जाएगा जीना. जीनस 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 ठीक है आगे प्रश्न है कि पर्ल आर हार्वेस्टेड फ्रॉम मोती कहां से मिलते हैं प्रॉन से पीला से टूना से ऑयस्टर से कहा से मिलते हैं मोती कहा मिलते हैं मोती एक आखिरी प्रश्न है बस इसके बाद तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या बताओ जल्दी हम्म अरे जल्दी बताओ भाई क्या कर रहे हो डी ऑयस्टर ऑयस्टर इज़ अ पर्ल आई नो ऑयस्टर इज अ पर्ल बट ऑयस्टर से हमको कभी भी पर्ल मिलता नहीं है ना यहां पे आपका आंसर होगा प्रॉन, झिंगा झिंगूर झिंगा ठीक है ऑयस्टर नहीं होगा ऑयस्टर पर्ल का नाम होता है ऑयस्टर पर्ल का नाम होता है आखिरी प्रश्न है आज का आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कौन कौन सही करेगा ठीक है हाँ सेम पिंच महेश यादव सेम पिंच यू लव मी एंड आई लव मी टू व्हाट अ फूल आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम है जिसके अंदर आप एनिमल्स को बाइलेट्रल सिमेट्रिकल के साथ बाइलेट्रल मतलब कि अगर उनको आप मध्य से काटो तो दो समान भागों में कट जाएंगे जैसे कि इंसान काटोगे एक आंख इधर एक नाक नाक का इधर आधा होठ इधर एक हाथ इधर एक हाथ इधर एक पैर हाँ इधर एक पैर इधर ठीक है उसको हम कहते हैं बाइलेट्रल दो समान हिस्सों में डिवाइड हो जाए साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी हो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी यानी कि आप तब एम्ब्रियो होते हैं उस समय पे तीन आपकी लेयर होती है उस तीन लेयर से ही आपका पूरा शरीर बनता है विदाउट ए ट्रू इंटरनल कैविटी और उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की गुहा नहीं है वो कौन सा आपका किंगडम है पोरीफेरा प्लेटी हेलमिंथस नाइडेरिया और एनेलिडा बताओ जल्दी से हाँ, आखिरी प्रश्न है और जो सही प्रश्न देगा आंसर उसका उसको मिलेगी सीधी बात है है और ये है आपका बी ए नहीं होगा पोरीफेरा आपका ट्रिपलो बॉडी नहीं होती उसकी तो कोई सिमिट्री भी नहीं होती है पोरीफेरा की तो वो आपका औट्रिक होता है ठीक है डी एने नहीं होगा इसने कहा है विदाउट विदाउट अ ट्रू सिलो इंटरनल कैविटी परंतु उसके अंदर तो होती है कैविटी होती है ना और आपके नाइडेरिया में भी कैविटी होती है परंतु में कोई कैविटी नहीं होती है ना असिलोमेट होता है तो भाई आपकी साठ मिनट के अंदर साठ प्रश्न हो गए हैं चलो ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी लीवर फ्लूक ये हो चुका है प्रश्न रिपीट हुआ ये आपके साठ मिनट के अंदर क्या कहा मैंने साठ मिनट के अंदर साठ मिनट में अस्सी इक्यासी प्रश्न मैंने करा दिए हैं इससे ज्यादा भाई देखो कोई भी टीचर आपको नहीं कराता है ठीक है फिर भी मैंने अभी पेपर है बच्चों का सिर्फ करा देते हैं अगर आप कुछ चीज बाय करना चाहते हैं अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन से तो बाय कर सकते हैं सेवनटीन परसेंट ऑफ आपको मिलेगा और उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करेगा दैट इज वाई वाई फोर फोर थ्री आर वाई चार सौ तिरतालीस आर आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे कोड को आपको मिल जाएगा डिस्काउंट साथ में सभी बच्चे क्या करेंगे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा साथ में आपको लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा हाउ वाज द सेशन और जिन्होंने अभी तक जुड़ा नहीं है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मैं सोनिया चहल आपको कराती बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मेन बायोलॉजी आपका है सारा पोर्शन मैं पोस्ट और आपको मिलती हूँ मैं किस किस समय पे एक बजे कराती हूँ सीटी के लिए आपकी ठीक है अभी तक सिलेबस आया नहीं आई नो बट हम अपनी तरफ से कुछ भी तैयारी जो है अपनी जारी रखेंगे ठीक है और आपकी चार तीन बजे तीन से चार मैं कराती हूँ आपको क्या रेट क्या कराती हूँ सॉरी चार से पांच चार से पांच टाइम चेंज हो चुका है ना ध्यान नहीं रहता बताना चार से पांच रीट और तीन से चार उल्टी हो गया एक बजे से और चार बजे रीट ठीक है अभी के लिए बाय गुड बाय हैव नाइस डे और कल मिलते हैं मीठी चुमेर और एक बजे भी मिलिएगा और चार बजे भी मिलिएगा